जैसे कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम सब मना रहे हैं, तो क्यों ना उनके ही भजन सुनाए जाए। कि राम राम सब कोई कहे, तो राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, एक बार जे बोलिए नटवर नंद किशोर। एक समय भगवान कन्हैया माता यशोदा के पास आए। माता यशोदा से कहा कि मैया एक समय माँ से कहे, क्या कहे, माँ से कहें माँ कर दो पूरी चाह, मैं क्वारा हूं, हे माते श्री कर दो मेरा विवाह। ओ प्यारे, कहा कि मैया मेरा विवाह कर दो। माता यशोदा कहने लगी तेरा विवाह किसके साथ करूं? तो कहा कन्हैया के। कन्हैया ने कहा कि राधिका के साथ। माता यशोदा ने राजा भ्रष्वान को बुलाए, राजा भ्रष्वान से कहा कि आपकी बेटी राधिका मेरे कन्हैया तरफ दे दो। तो राजा भ्रष्वान देखो क्या बोले, अरे की गोरी है मेरी, अरे ये गोरी है मेरी राधिका, एकारो है तेरो श्याम, मेरी गोरी नारी बिटिया और तुम्हारे काले कलूटे तरफ कैसे दूं? एकारो है तेरो श्याम, पटेगी जोड़ी ले दे पाऊंगा। कहा क्यों? राधा है वृषभान लली बहनों में वो, भोली भाली और भली चंद्रमुखी है कुसुम, भोले भाले और भले चंद्रमुखी।
है मेरी राधिका, बहुत एबी है, किसी को लूटता है, किसी से झगड़ता है। तेरो लाला लड़त फिरे माखन चोरी कर, बन बन धेनु चरात फिरे उते उत बेनु बजा, ब्रज में मेरी राधा की सभी बड़ाई करते हैं, और लेकिन तेरे कान्हा की सभी बुराई करते हैं, यशोदा ने सुना कि कन्हैया के बारे में राजा ब्रजवान ने बहुत बुराई की, तो माता यशोदा बोली कि मेरे कन्हैया ऐसो नहीं है, सुनो मेरे कन्हैया के जितने सुनाऊंगी उतने ही कम है। चंद्रमा एक है जैसे तारों में,
यशोदा ने कहा आपकी बेटी दो या ना दो लेकिन राधिका के लिए ऐसा परिणाम मिले, राधिका के लिए ऐसा परिणाम मिले, राधिका के लिए ऐसा परिणाम मिले, ऐसा कुल ना मिले, ऐसा घर ना मिले, ऐसा कुल ना मिले, ऐसा घर ना मिले, ऐसा कुल ना मिले, ऐसा घर ना मिले। ऐसा भी आया कि कंस का विध्वंस करने के लिए भगवान कन्हैया मथुरा चले जाते हैं। इधर सारी गोपियां भगवान कन्हैया की याद में इतनी बेचैन। एक रोज उद्धव भगवान कन्हैया का संदेश लेकर आते हैं। श्याम की उधो जुदाई अब सही जाती नहीं, श्याम बेबफा हमसे खपा जा दिया सौतन को दिल, क्या खता मेरी खबर भेजी कोई नहीं तो दिल दिया को हरदम, एक कम दिया हमको दिखलाती नहीं, क्या कहें गोकुल के तुमसे हाल बरसाने के हम, कुंज की कोई गली हरगिज हमें भाती नहीं। तो सभी तरस रहे कहती हैं गोपिकाएं, एक कब तलक मेरे श्याम, सारी गोपिकाएं अपने कन्हैया को याद करती हैं, कहती हैं कन्हैया कि बिन तुम्हारे कभी ना चैन मिले, ए बिन तुम्हारे कभी ना चैन मिले, ए चैन की बदल चैन की सिकब बजाओगे कब तलक तुम हे श्याम आओगे कब तलक
हे कन्हैया क्या पता था कि एक दिन तुम भी क्या पता था कि एक दिन तुम भी छोड़ कर हम तो चले जाओगे भगवान कन्हैया अपने ग्वाल वालों के साथ में
गेंद खेल रहे हैं। जब गेंद खेलत खेलत यमुना जी में गेंद गिर जाती है। तो कान्हा से कहने लगे मिलकर सारे ग्वाल, गेंद हमारी खोज कर लाओ तुम नंदलाल। तो भगवान कन्हैया कस कर कमर कृष्ण कन्हैया कूदे काली दे और कालिया नांग को पकड़ा जाकर जल की दे। नाग में और भगवान का नहीं आया। ए देखो दंगल हो गया पल में की कर मन बच गई यमुना जल में Oh,
माता यशोदा है पता लगा कि कन्हैया काली दे में कूदा है, जहाँ कालिया नाग रहता है। एक गली गली और नंद गांव में एक मचकवाज ढिंढोरा रे। ए भैया, अरे कूद गयो काली दाय में जो बाबा नंद को छोड़ा भोपाल दैया रहेंगे। श्रद्धा मंडल भोपाल और उमर खेड़ी का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। एक लास्ट भजन और प्रस्तुत करने की कृपा करें, चाहो तो कर्णारस में ले सकते हैं, कर्णारस ले सकते हो कोई एक रचना। हाँ, अगर आप उसे समझे तो एक समय भगवान कन्हैया माता यशोदा के मनाने पर भी नहीं मानते और गोपिकाओं को रास्ते में रोक लेते हैं। जब राधिका को एक रोज भगवान कन्हैया ने रोका, राधिका भगवान कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया आप मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ। बोली छेड़ो ना केलो हमारी रे, ना छेड़ो, छेड़ो ना केलो हमारी रे, ये सोदा के नारी, हाय हाय रे ये सोदा के नारी।
तुम तो हो